पर राम विजयराज है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मैं आशीष आप सभी का आपके ही चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम जहाँ पर खड़े हैं वो बहुत ही खास जगह है, इतिहास में इसका एक अनोखा स्थान है। और आज हम ऐसी ही एक ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं जिसका नाम है रामगढ़। और ये जगह इतिहास के सबसे लोकप्रिय राजा महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन से निगड़ित है। तो आइए चलते हैं इस अनोखी जगह पर जिसका नाम है रामगढ़। लेट्स गो फ्रेंड टू डिस्कवर रामगढ़। हम अभी अभी इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए हैं और आपको यहाँ पर जो ये जो रामगढ़ नाम का जो छोटा सा किला है, इस किले पर आप देख सकते हैं कि भगवे रंग के झंडे जो कि हमारे महाराज जी का निशान था, जो कुछ अच्छी तरह से सजाया गया है। यहाँ पर प्राणियों के जो पुतले हैं वो भी बनाए गए हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे। तो ये बेसिकली हमारे पाटन से जो है वो एक 10-12 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पुतला है वो यहाँ पर जो खड़े हैं वो है हमारे सबसे लोकप्रिय महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी, और उनके साथ उनके गुरु, उनके मित्र श्री समर्थ रामदास जी। तो समर्थ रामदास जी यहाँ पर ध्यान लगाकर बैठा करते थे और उनको मिलने के लिए शिवाजी महाराज जी अक्सर यहाँ पर आते थे। तो इसलिए उन दोनों का पुतला यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। आइए हम अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी गुफा है, आप जो है वो आगे देख सकते हैं। हम इस गुफा के अंदर जाने वाले हैं और इस गुफा में क्या होता था ये हम आपको वहां जाकर ही बताएंगे। तो आइए चलते हैं गुफा में। यहां से हमें सीढ़ियों से अभी नीचे उतरते हुए हम गुफा में जा रहे हैं। ये जो सीढ़ियां है वो हाल फिलहाल ही बनाई गई है, कुछ 10 साल के लगभग पहले। लेकिन इन सीढ़ियों का जो महत्व है वो आप समझ सकते हैं कि उस 400 साल पहले यहाँ नीचे कैसे जाया जाता होगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार जो है वो हम वहां से आए हैं यहाँ पर नीचे। तो ये एक गुप्त जगह थी, इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, इसी वजह से ये आज भी गुमनामी के अंधेरे में है। यहाँ ज्यादा लोग अभी भी नहीं आते हैं। शिवाजी महाराज जी के जो बहुत सारे किले हैं, उन किलों में से ये एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जगह, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी बहुत बार आते थे और यहाँ पर आने के बाद वो अपने मित्र से, अपने गुरु से, श्री समर्थ रामदास जी से सलाह मशवरा करते थे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ बोर्ड भी लिखाया गया है। तो हम देखते हैं क्या है। ये देखिए एक गुफा है और हम अब गुफा के अंदर जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि हमारी जो आवाज है वो आवाज यहाँ पर हमें ही बार बार सुनाई दे रही है आके हुए। तो चलते हैं गुफा के अंदर, आशंका होगी कि कुछ हो सकता है। तो हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। एक और ये यहाँ पर जो है वो समर्थ रामदास जी ध्यान लगाकर बैठा करते थे। तो हम गुफा से बाहर आए हैं। अब देखते हैं कि इन सीढ़ियों के ऊपर क्या है। हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अंदर मंदिर के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बोर्ड मराठी में लिखे गए हैं
यह निरीक्षण गृह है ये, यहाँ से जो सैनिक है वो निरीक्षण करते थे नीचे की तरफ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो इस निरीक्षण के गुफा में इस प्रकार कोई सैनिक बैठता होगा। आगे जो है वो देखते हैं आप कि ये ध्यान गुफा है, यहाँ से अंदर जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदर जाकर समर्थ रामदास जी ध्यान लगाते थे। और अभी यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि लाइट भी अंदर रखी गई है, देख सकते हैं आप वायर है वहां पर, जो महाराज जी की जो पादुका है वो भी वहां पर है। तो ये ध्यान गुफा पर आप ज्यादा फोकस करें कि कैसे समर्थ रामदास जी अंदर जाकर ध्यान लगाते होंगे। और समर्थ पादुका, पादुका यानी जो महाराज जी चप्पल पहनते थे उसे समर्थ, उसे पादुका कहते हैं हिंदी में, मराठी में आप, आपको पता होगा। तो लेकिन हमें यहाँ पर कोई पादुका दिखाई नहीं दे रही है, शायद कहीं और रखी होगी, लेकिन वहां पर वो पादुका रखते होंगे इसलिए वो जगह है। श्री समर्थ शिवराय भेट, जहां पर अक्सर महाराज और समर्थ रामदास जी एक दूसरे से मिलते थे, ये वो गुफा है। आपको यहाँ उनकी प्रतिकृति भी दिखाई दे रही है कि किस प्रकार महाराज जी अपने गुरु से मिलने यहाँ अक्सर आया करते थे। और आगे जो है वो एक श्री राम जी की, प्रभु श्री राम जी की मूर्ति यहाँ पर है। और एक प्रकार से ये समर्थ रामदास जी का मंदिर भी है। ये यहाँ पर एक बाबा थे श्री समर्थ जनार्दन महाराज, वो भी यहाँ पर साधना किया करते थे। तो उनकी ये गुफा है जनार्दन महाराज जी की, तो वो शायद समर्थ महाराज जी के शिष्य रहे होंगे, उनके बाद वो यहाँ पर ध्यान लगाया करते होंगे। तो ये इस प्रकार काफी अनोखी जगह है ये, आपको शायद यकीन नहीं होगा लेकिन ये पर्वत के नीचे खोद कर बनाई गई है या पहले से खोदी हुई होगी किसी ने। आप देख सकते हैं पत्थर, लाल पत्थर है ये, और बहुत ही आश्वासित करती है जगह। शिवाजी महाराज जी जब भी यहाँ आते होंगे उन्हें अपने प्रश्नों के समाधान जरूर मिले होंगे। आइए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि कैसे शिवाजी महाराज अपने जो गुरु थे समर्थ रामदास जी उन्हें मिलने यहाँ अक्सर आया करते थे, और उनके आने का जो उद्देश्य था वो था कि यहाँ पर एक बड़ी सी गुफा है आपने देखी, और उस गुफा में अक्सर शिवाजी महाराज जी अपनी जो रणनीतियाँ थे वो तय करते थे, कहाँ पर आक्रमण करना है, किस शहर को लूटना है, जो भी कुछ रणनीतियां बनाई जाती थी वो यहाँ आकर शिवाजी महाराज जी बनाते थे, ताकि जो दुश्मन के जो गुप्तहेर है, जो भी कोई है, उनको पता ना चले और हमारी जो रणनीतियां थी वो सफल हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। और इसी मोटिवेशन के साथ हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।